इसका सनवाइजर देखो कैसा लोकल है, पतला सा। इसका सनवाइजर देखो कितना बड़ा है, कितना बढ़िया है और मजबूती से बनाया गया है। फिर इसका जो वाइजर है 250 रुपये का आता है और उसका जो वाइजर है 800 रुपये का आता है। लेकिन दोस्तों एज पर पर्सनल एक्सपीरियंस ना, थोड़े टाइम बाद इसको आप थोड़ा बहुत यूज़ कर लो, 6 महीने 5 महीने, इसका जो पेंट है आपको फेडेड होना दिख जाएगा और ये हेलमेट ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको डेंट दिख जाएंगे लेकिन अगर आप पेंट क्वालिटी देखोगे ना दोस्तों, तो भाई अभी तक बरकरार है बिल्कुल। इसका आप सनवाइजर देखो कितना कम जो है वो कवर करता है, बस आंखें आंखें कवर करता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं स्टड के ड्रिफ्टर D3 को अपने एग्जॉर के एपेक्स हंटर से। और देख ही सकते हो भाई, लुक जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने के लिए मिल जाती है और फीचर जो है ना वो भी ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें ना प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और उसी के साथ साथ इनकी क्वालिटी में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे देखने में आपको कोई डिफरेंस नहीं फील होगा, बट जो जो चीज़ें डिफरेंट है दोस्तों और आप कह सकते हो बेटर मिलते हैं किस में, उन चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं करा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने ड्रिफ्टर D3 से जो कि स्टड की तरफ से आता है। ये जो हेलमेट है ना काफ़ी अच्छा है। ये जो हेलमेट है दोस्तों ये है DOT सर्टिफाइड और उसी के साथ साथ दोस्तों ISI सर्टिफाइड। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत बढ़िया है, इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो बेस्ट चीज़ है ना ये दोस्तों ये है एक वन शेल हेलमेट, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो इसकी क्वालिटी वगैरह है, पेंट की क्वालिटी वगैरह है ना, काफ़ी अच्छी दिखने के लिए आपको मिल जाती है। तो मैं एक बार आपको ग्राफिक दिखाता हूँ, ये देखो पूरा गोरिल्ला इन्होंने यहाँ पे बना रखा है और ये जो पेंट स्कीम है ये मैट कलर में है, तो यार बहुत ही प्रीमियम लग रही है। इसके साथ दोस्तों वैसे क्लियर वाइजर आता है बट मैंने जो है रिक्वेस्ट करके इसको चेंज करा दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने स्मोक वाइजर लगवा लिया है। तो भाई वन शेल हेलमेट है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर हम पैडिंग की बात करें दोस्तों, तो भाई जो पैडिंग है ना वो भी इसकी रिमूवेबल पैडिंग है, तो यहाँ से आराम से रिमूव करके आप वॉश कर सकते हो। और मैं एक बात कहना चाहूँगा पैडिंग के लिए, तो भाई पैडिंग जो है ना काफ़ी सॉफ्ट पैडिंग लगी मुझे। जब आप पहनते हो ना, इसको पहन के चलाते हो तो काफ़ी कंफर्टेबल आपको एक्सपीरियंस जो है वो होता है। उसी के साथ साथ आपको चिन कर्टन देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। चिन कर्टन भाई आपको पता ही है ज़रूरी है विंड नॉइज़ वगैरह से, अगर आप मोटोब्लॉग वगैरह करते हो तो। इस पर मोटोब्लॉग भी करके दिखाएंगे हम। तो चिन कर्टन आपको मिल जाता है, छोटा सा रिमूवेबल पैडिंग दिख जाती है, ISI प्लस DOT की सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। और उसी के साथ साथ बहुत ही प्यारी चीज़ मिल जाती है आपको कि भाई इसके साथ सनशेड भी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे बटन है और ये देखो यार क्या तो बढ़िया चीज़ है, पूरा सनशेड ना आ जाता है और काफ़ी बड़ा है और इसकी क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। इसकी जो प्राइस है ना वो आपको पड़ती है 2000 से 2100 या फिर 2200, डिपेंड करता है कहाँ पर। तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पता कर सकते हो और अगर आपको ऑनलाइन खरीदना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों प्राइस जो है काफ़ी अफोर्डेबल है लेकिन यार आपको चीज़ें बहुत बढ़िया मिल जाती है, जैसे कि वेंट्स हैं। अब इसके वेंट्स जो है वो है एडजस्टेबल बड़े प्यार से और भाई ये देखो सारे वेंट बहुत अच्छे से एडजस्टेबल है और क्वालिटी भी मैं कहूँगा ना काफ़ी अच्छी है भाई, काफ़ी अच्छी है स्टड की क्वालिटी, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और उसी के साथ ऑफकोर्स ये बात है दोस्तों, जैसे कि ये यार एक इंटरनेशनल लेवल का हेलमेट है, DOT सर्टिफाइड है, तो उसी के हिसाब से चीज़ें जो है बनाई गई है। इसके साथ जो अगर आपको लॉकिंग कैदम मिल जाता है दोस्तों, वो मिल जाता है आपको क्विक रिलीज़ का, जो कि काफ़ी अच्छा होता है राइट। तो बस इसको लगाना है, इसे खोलना है तो निकाल देना है, तो क्विक रिलीज़ है जो आपको मैकेनिज्म देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों इसका जो वेट है ना काफ़ी लाइट है, ये है सिर्फ 1450 ग्राम, तो आप कह सकते हो 1500 ग्राम का जो है हेलमेट है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने एग्जॉर के हेलमेट की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके बारे में, उसके बाद मैं कंपेरिजन करके दिखाऊंगा चीज़ें क्या क्या अंतर है और क्या क्या चीज़ें आपको ना ध्यान में रखनी चाहिए लेते टाइम। तो ये है एग्जॉर का एपेक्स हंटर और इसके अगर आप ग्राफिक्स देखोगे भाई, ग्राफिक्स जो है ना बहुत बढ़िया है, एग्जॉर लिखा हुआ है पूरा मस्त ऐसे करके, पेंट स्कीम बहुत बढ़िया है, ग्लॉस पूरा आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। 3D में लोगो दिख जाता है आपको एग्जॉर का, जो कि काफ़ी अच्छा लग जाता है। ये जो है ना दोस्तों हेलमेट, ये है DOT सर्टिफाइड, ISI सर्टिफाइड और ECE सर्टिफाइड, तो सर्टिफिकेशन की तो भाई कोई बात ही नहीं है। इसके ऊपर जो वाइजर लगा है, ऑफकोर्स सी बात है ये मिरर वाइजर है जो कि मैंने लगवाया है एडिशनली। इसके बाद क्लियर वाइजर आता है विद पिन लॉक और एंटी फॉग भी इसके साथ आता है, तो ये सब आपको देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। तो फॉग वगैरह से आपको प्रोटेक्शन मिलती है जब इसको आप नया नया लेते हो, पिन लॉक वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। और भाई इसी के साथ भी आपको ना देखने के लिए मिल जाता है सन वाइजर, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसकी जो पैडिंग है दोस्तों, अगेन पैडिंग भी जो है रिमूवेबल है, तो आप आराम से लगा सकते हो। चिन कर्टन इसका काफ़ी अच्छा है, पैडिंग जो है काफ़ी डेंस है, तो इनकेस अगर आप मोटो ब्लॉग वगैरह करते हो ना तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके साथ विंड नॉइज़ वगैरह बहुत कम आता है।
इसका जो वेट है ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसका जो वेट है 1700 ग्राम वेट है इसका, तो 200 ग्राम जो है दोस्तों भारी है, बट इतना कोई फील नहीं होता। और दिस हेलमेट इज मेंट फॉर हाईवेज वगैरह, क्योंकि आप हाई स्पीड वगैरह पे चलाते हो तो ये हेलमेट जो है इतना वबल नहीं करता और आराम से रहता है बहुत बढ़िया से, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इस हेलमेट के बारे में। उसी के साथ साथ दोस्तों वेंट वगैरह की क्वालिटी है ना इसकी, ऑफकोर्स यार मतलब इंटरनेशनल लेवल का हेलमेट है, तो यार देखो कितने अच्छे से यार पूरा बनाया गया है, पूरा वेंटिलेशन का सिस्टम है। आगे मैंने माउंट भी लगा रखा है अपने मोटर ब्लॉक के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कंपैरिजन की, तो भाई कंपैरिजन में जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना दोस्तों वो है भाई इन दोनों की पेंट स्कीम। देखो ये जो ना नया हेलमेट है और अभी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है, लेकिन दोस्तों एज पर पर्सनल एक्सपीरियंस ना थोड़े टाइम बाद इसको आप थोड़ा बहुत यूज़ कर लो, 6 महीने 5 महीने, इसका जो पेंट है आपको फेडेड होना दिख जाएगा और ये हेलमेट ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। एक चीज़ ये डिफरेंस देखिए मैंने स्टड हेलमेट में और एग्जॉर वगैरह के हेलमेट में, इनके जो पेंट वगैरह हैं दोस्तों बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, मतलब हेलमेट ऐसा बिल्कुल पुराना सा लगने लग जाता है। वेयर एज अगर इसको देखोगे ना भाई, इसको मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी ट्रिप कर चुका हूँ उस पर, और इस पर स्क्रैचेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये हेलमेट कभी गिरा नहीं है ज़िंदगी में, ये हेलमेट बहुत गिरा है और मैं दिखाता हूँ, देखो आप, और ये देखो यहाँ पर स्क्रैच है, यहाँ पर स्क्रैच है, यहाँ पर स्क्रैच है पूरे पे ना, ये देखो आपको डेंट दिख जाएंगे, लेकिन अगर आप पेंट क्वालिटी देखोगे ना दोस्तों तो भाई अभी तक बरकरार है बिल्कुल। तो हल्का सा कपड़ा मार दो और ये हेलमेट बिल्कुल नया हो जाता है, लेकिन ऑफकोर्स सी बात है प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख जाता है, लेकिन मेरे को ये चीज़ ना बहुत बढ़िया लगी। और मतलब अगर आप पेंट की भाषा में कहो तो इसके ऊपर जो क्लियर कोट है ना दोस्तों वो बहुत लंबे समय तक जो है शाइन मारता है, वेयर एज इन हेलमेट्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा जो है वो कम हो जाता है, मतलब वक्त के साथ ना थोड़ा सा ढल जाता है, मतलब इतना सुंदर नहीं लगता है हेलमेट। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऑफकोर्स सी बात है प्राइस का डिफरेंस दिख जाता है आपको, लेकिन प्राइस के साथ आपको इसके साथ चीज़ें भी मिलती है, क्योंकि आप डीरिंग मिल जाता है जो कि सेफेस्ट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू हेलमेट, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों एंटी फॉग वगैरह आता है इसके साथ, तो ये चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इसका सनवाइजर देखो कैसा लोकल है, पतला सा, इसका सनवाइजर देखो कितना बड़ा है, कितना बढ़िया है और मजबूती से बनाया गया है। तो ये चीज़ मुझे ना स्टड की बहुत बढ़िया लगी एज़ कम्पेयर टू एग्जॉर, मतलब इतना महंगा हेलमेट होकर भी इसकी जो क्वालिटी है मज़ा नहीं आया भाई, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पैडिंग वगैरह की क्वालिटी की बात करूँ तो भाई पैडिंग में ऑफकोर्स सी बात है इसकी पैडिंग अच्छी है, महंगा है दोस्तों, ईसी ही हेलमेट है तो इसके हिसाब से महंगा है, इसकी पैडिंग में कहूँगा काफ़ी अच्छी है, बट कंपेयर हो ही रहा है दोस्तों तो ऑफकोर्स सी बात है इसका है। और दोस्तों उसी के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ों में ना डिफरेंस आया था जब आप पैसे खर्च करते हो, इसका वाइजर है ना मतलब ठीक है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इसका वाइजर एक बार आप हाथ में पकड़ोगे ना आपको फील होगा कि डिफरेंस क्या है, राइट। बट ऑफकोर्स पैसे का भी डिफरेंस है, इसका जो वाइजर है 250 रुपये का आता है और उसका जो वाइजर है 800 रुपये का आता है, तो उन चीज़ों में भी जो है डिफरेंस आपको देखने के मिल जाता है। बट ऑफकोर्स दोस्तों अगर आप सेफ्टी के लिए हेलमेट ले रहे हो तो आपको सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, बाकी दोस्तों ऑलमोस्ट सेम ही है। और ये जो हेलमेट है 2000 रुपये की रेंज में मैं कहूँगा यार बहुत बढ़िया हेलमेट है, जिसके साथ आपको ग्राफिक्स जो है बहुत सुंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी पेंट स्कीम देखने के लिए मिल जाती है, फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, और भाई काफ़ी कंफर्टेबल है ये हेलमेट। अब नेक्स्ट वीडियो में इनको लेके चलते हैं बाहर और उसके बाद दिखाते हैं आपको कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है हाईवेज वगैरह पे चलाने का। बाकी दोस्तों ये हेलमेट जो है मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट है अंडर 5K और आप कह सकते हैं 4K, 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई, अभी भी बिल्कुल नया लगता है। तो ये चीज़ मुझे एग्जॉर की बहुत बढ़िया लगी। खैर आप ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। इन दोनों हेलमेट्स को अगर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।